अगली खबर कोलकाता से, जहां चिदंबरम गो बैक के नारे लगे और चिदंबरम को काले झंडे दिखाए गए। आखिर क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। कोलकाता हाईकोर्ट में आज कांग्रेसी नेता ही कांग्रेसी नेता के खिलाफ खड़ा हो गया। मेट्रो डेयरी मामले में पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से चिदंबरम पेश हुए, जबकि इस मामले में याचिका लगाने वाले कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ही हैं। चिदंबरम जैसे ही कोर्ट से बाहर निकले, उन्हें कांग्रेस समर्थक वकीलों ने घेर लिया और नारेबाजी शुरू कर दी। चिदंबरम को काले झंडे दिखाए गए और हंगामा भी हुआ। वकीलों ने बंगाल में कांग्रेस की खराब हालत के लिए चिदंबरम को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। कांग्रेसियों ने कहा है कि कार्यकर्ता वजूद बचाने के लिए टीएमसी से लड़ रहे हैं, लेकिन बड़े नेता चंद पैसों के लिए पार्टी का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। दो कांग्रेस नेता कोर्टरूम में आमने सामने थे, लेकिन अधीर रंजन ने मामले को रफा दफा करने की कोशिश की। अधीर रंजन ने कहा कि चिदंबरम पेशेवर वकील हैं और अपने क्लाइंट चुनने का उन्हें पूरा अधिकार है।